हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लगने वाले सबसे बड़े श्रावण अष्टमी मेला इस बार कोविड-19 के चलते महामारी के चलते आयोजित नहीं होगा। हालांकि पूजा पाठ आरती विधिवत रूप से प्राचीन परंपराओं के मुताबिक होगी, लेकिन इस बार श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी श्री चिंतपूर्णी माता के मंदिर में लगने वाला ये सबसे बड़ा मेला है। इस दौरान नैना देवी में लगभग 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा श्रद्धालु पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से माता के दरबार में आते हैं, लेकिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं का अन्य प्रदेशों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से भी, जबकि विदेशों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु माँ के दरबार में दर्शनार्थ और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि श्रावण अष्टमी नवरात्रों का विशेष महत्व है और ये मेला श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऊंचे जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजन में होता रहता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते ना तो श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों की अनुमति होगी और ना ही श्रद्धालु अब इस धार्मिक स्थल पर पहुंच सकेंगे। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल और मंदिर न्यास के अध्यक्ष SDM सुभाष गौतम के मुताबिक इस बार ये मेले के दौरान महामारी के चलते श्रद्धालुओं के मंदिर पर आने की मनाही रहेगी, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश और भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा SOP नहीं आई है, जिस कारण मंदिर नहीं खोले जाएंगे। मंदिरों के द्वार महामारी के चलते 17 मार्च से लगातार बंद है और मंदिरों को अभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोला नहीं जाएगा, जिस कारण श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान भी श्रद्धालु माता के दर्शनों से इस बार महरूम रहेंगे। अभी मंदिर खोलने के बारे में अभी जो है कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। अभी इस संबंध में जो है भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा SOPs जो है बना के जारी किए जा रहे हैं, तो जब तक ये SOPs जारी नहीं होते हैं और आगे सर्कुलेट नहीं होते हैं, तो तब तक जो है टेंपल अभी नहीं खुलेंगे हिमाचल में। तो मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि जब तक पूर्ण जानकारी लेके ही मंदिरों में दर्शन करने आए, ऐसा ना करें कि नवरात्रे देख के जो है वो यहाँ मंदिर में पहुँचना शुरू कर दें तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम पूर्व सूचना दे रहे हैं कि जब तक SOPs जारी नहीं होते तब तक जो है मंदिर दर्शन के लिए खुले नहीं है। मंदिरों के हमारे जैसे विशेषकर आप मेला के विषय में बात कर रहे हैं जो कि श्री नैना देवी जी में हर वर्ष होता है और काफ़ी बड़ा मेला होता है, ये अधिक सर्वाधिक जो श्रद्धालु है इसी दौरान में आते हैं। परंतु क्योंकि अभी मंदिर के जो कपाट बंद हैं, केवल अंदर जो है पूजा अर्चना की जाती है, उसके दृष्टिगत अभी आम दर्शनों के लिए, पब्लिक के लिए फिलहाल जो है मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं और इसी कारणवश जो मेला है उसका भी आयोजन अभी नहीं किया जाएगा। और जो भी डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के भाषा, कला, संस्कृति विभाग के आएंगे, जो भी SOP वहाँ से आएगा, उसी के अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी।